हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे उसका ब्रांड है डॉट एन की एंड प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड प्राइसिंग की। तो ये है इसकी पैकेजिंग जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड इसमें सब कुछ मेंशनड है, यहाँ पर डायरेक्शंस, कॉशन, इंग्रेडिएंट्स। एंड इसका प्राइस है 495 और इसके बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया है यहाँ पर। डॉट एन की सबसे बेस्ट बात है कि ये बहुत ही क्यूट पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो दिस सनस्क्रीन इज मेड इन इंडिया। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसमें है 3 टाइप्स ऑफ विटामिन सी, यूवी फिल्टर्स, विटामिन ई एंड सिसिलियन ब्लड ऑरेंज। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। इट प्रोवाइड्स यूवीए, यूवीबी एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, हेल्प्स विद बेटर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन, एनहांसेस स्किन ग्लो एंड रेडियस, एंड जो भी अर्ली एज साइंस होते हैं ये उससे भी बचाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारे स्किन टाइप्स के लिए, आई थिंक विच इज़ अ ग्रेट पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की, जो कि बहुत लाइट वेट है और मिल्की लिक्विड टेक्सचर है। एंड ये स्किन में ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही इसका लाइक लिक्विडी टेक्सचर है, वाटर लाइक टेक्सचर है। ज़्यादातर सनस्क्रीन जो होती हैं वो वाइट कास्ट छोड़ देती हैं स्किन पे, जो कि बहुत वियर्ड लगता है। बट इस सनस्क्रीन में ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, एंड विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट थिंग फॉर अ सनस्क्रीन। तो अब बात करते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। आपने जब भी बाहर जाना है उससे 15 मिनट पहले आपने इसे अप्लाई करना है। एंड जेनरस अमाउंट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, नेक पे या कहीं पर भी बॉडी पर। एंड 2 या 3 घंटे के बाद इसे रीअप्लाई करना है अगर आप सन के एक्सपोजर में हैं। तो अब बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है और ज़्यादातर लोग अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें लाइक नहीं करते हैं। एंड जिन लोगों को ये पसंद नहीं है उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने इसे आई थिंक 1 वीक ही अप्लाई किया है एंड मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो उस बेसिस पे मैं आपको अपना रिव्यू दे रही हूँ। सो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बट आपने फर्स्ट पैच टेस्ट करना है एंड उसके बाद ही अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है, बिकॉज मेरी स्किन पे सूट कर रहा है और ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपकी स्किन पे भी सूट करे। तो अगर आपने ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप डॉट इन की वेबसाइट पर जाके इसे बाय कर सकते हैं एंड वहाँ पर काफ़ी ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी डील मिलेगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड यूजफुल रही होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए।